years from now, the house that you see behind me that has now been outgrown by bushes and trees made headlines globally for the alleged killing of more than 19 children and women whose bodies were found chopped in this premises. It was in December 2006 when a piece of hand of a child in a decomposed state was found in these premises, and that led to the preliminary investigation against Moninder Singh Pandher and his servant Surinder Kohli. The two were earlier awarded death sentence by the trial courts and CBI courts, but on Monday were acquitted by the Allahabad High Court. The court ruled Nithari killing is not short of betrayal of public trust by the responsible agencies, quoting Shoddy Probe for the reason of the acquittal. In fact, this drain that you see outside the house, many of the pieces of body as alleged were also recovered from this particular drain. Even as the court has acquitted the two men, the families of the victims say that their hopes are shattered and the justice they had been waiting for has not been delivered to them. Sir, kab waqia hua tha, kab aapko pata chala ki is tarah ki harkatein ghar mein ho rahi hain, aur kya aapki beti thi, to kaise ye waqia hua? Ye dekho, yahan raat mein police qaid ka Nandlal ki beti 24 saal ki thi, uska jo hai kapde aur chappal police piche se aake aur naukar ke saath hala gaye और उसको कपड़े और चप्पल ले गए। अच्छा, तो हमें किसी ने बताया ऐसे ऐसे पुलिस वाले आए थे, कुछ कपड़े पड़े और चप्पल अप्पल ले गए यहाँ से, नौकर भी साथ था। तो हमें जो है शक हुआ, ऐसे ही हो सकता है हमारा भी हो कहीं, क्यों उसकी औलाद तो है नहीं, कहीं दूसरी जगह गलत जगह भेज दिया हो, ऐसा है तो कपड़े पड़े मिल जाए, ऐसे दिमाग में आया। तो हम सुबह 5 बजे ही आ गए यहाँ, आ गए तो आने के बाद हम 9 बजे तक बैठे रहे, कोई पुलिस नहीं आई। हमने कहा पुलिस आएगी, छानबीन करेगी तो शायद कुछ दिन, पुलिस 9:30-10 बजे फिर हम, की बात है? ये जब ये केस खुला है जब की बात बता रहा हूँ, तो 9-10 बजे तक हम बैठे रहे, 10 बजे तक जब नहीं आई पुलिस, तो यहाँ का प्रधान हमारे थे, हमारे 31 में मिश्रा जी, इनको बुला के ले गए और एक दो को बुलाया, फिर अपने बेटे को और एक दूसरे लड़के को, वो जो 4 फुट गैलरी है लंबी उसी में वो घुसे। घुसने के बाद 3 सिर मेरे बेटे ने ढूंढे निकले, फिर जो है हमने 3 सिर निकलने के बाद हमने फ़ोन किया पुनीत जी को, मीडिया के हैं, फिर आलोक जी को, वो शायद अब दिल्ली हैं, ऐसी ऐसी बात है। फिर हमने SSP राठौर थे उनको फ़ोन किया, फिर उसी टाइम से फिर जो है हमने कहा ऐसा ऐसा 3 सिर हमारे हमने निकाले हैं, यहाँ खुदाई होनी चाहिए, खुदाई हुई, 96 सिर निकले। वो बोरे में गिनती कर भरे गए, फिर 49 सेक्टर 20 सेक्टर नहीं गए, 49 मिले गए, तो वहाँ हमने गिनती करके 49 में, और जो है फिर जो है हम लिखा पढ़ी जब होने लगी तो पुलिस वालों ने कहा हम अंगूठा लगाओ और बता दें, वहाँ लोग भी काफ़ी बैठे हुए हैं, तो कोई तुम किसी की मत मानना, जितने कम बताओगे ना उतनी ही जल्दी उसको साफ फांसी होगी, हमें ये बताया। तो हमने कहा 50 तक, मैं कहा 96 हैं तो 40 कम कर दो, 50 रखो, जल्दी हो जाए, बस जल्दी चाहिए। कहा नहीं, 10-5 बहुत हैं। ये करते करते जो है 19 पे हमसे अंगूठा लगवाया, कहने लगे जल्दी फाइनल हो जाएगा, जितनी जल्दी जितना कम केस होगा उतनी जल्दी होगा। हमें ये लोगों ने गुमराह किया पुलिस वालों ने। और जब आपकी बेटी गायब हुई थी वो किस दिन हुई थी, उस दिन का क्या पूरा वाक्या था? उस रोज़ शायद मंगलवार दिन था और उस रोज़ पंडेर भी था यहीं, और हमने पूछा भी, हमारे घर वाले ने पूछा बहुत जी आप यहीं खड़े थे और बेटी को हमारी देखा? कहता नहीं, हमने तो नहीं देखा। और वो जो है जब जिस रोड पकड़ा गया है, अरेस्ट हुआ है, तो 49 में ही ये दो पंडेर ने खुद कबूल किया है, और CD बनी है उसमें, ये अधिकारी 3-4 काफ़ी बहुत दरोगा लोग थे, SP सुमित्रो यादव, CO दिनेश यादव और BP सिंह, SO और कई थे, उनके सामने ही उन्होंने कबूल किया, हमसे गलती हो गई, माफ़ करो, हमने गलती से तुम्हारी बेटी को बुला दिया।
और कैसे कहाँ गई थी बच्ची, कहाँ क्या उम्र थी उस समय? 10 साल उम्र थी दस साल उम्र थी, बताया ना, दुपट्टा किसी को करवाने के लिए गई थी। अच्छा, उसके बाद से गया? उसके बाद से एक घंटा लग गया, जब नहीं आई तब हम ढूंढना शुरू किया। और आपको कब, कितने टाइम बाद आपको पता चला कि क्या हुआ है बच्चे के साथ? तो वो तो 1 साल 7 महीना तक हम ढूंढते ही रह गए। अच्छा, हर जगह जीवी रोटो में ज़्यादा ढूंढा। अच्छा। मतलब ऐसी जगह में रख सकता, कहीं इधर उधर भेज दिया है, क्या है क्या नहीं है, इसके चक्कर में हम ज़्यादा इस कामों में ज़्यादा ढूंढ रही थी। और पुलिस साथ रहती थी, खर्चा हमारा रहता था, हाँ, तेल का खर्चा हमारा पूरा, सब गाड़ी का तेल का खर्चा पुलिस जो है साथ जाती थी, जहाँ जाते थे वहाँ की पुलिस वो लेके तब वो इसी जगह जाते थे। अभी जो इनको छोड़ दिया गया है इतना टाइम बाद, जो इतने केसेस हुए, निचली अदालत से सज़ा मिली, उसके बाद भी सज़ा मिली सीबीआई कोर्ट से भी, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया, उस पर क्या आपका? 4 केसों में तो इलाहाबाद ने भी उसको फांसी का सुनाई थी। तो ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं, ये जज कह रहा है ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो आप 17 साल या 18 साल हो गए इसको जेल में, जब प्रूफ नहीं थे तो 18 साल उसको जेल में रखा क्यों? जब प्रूफ नहीं था, कोई मुलजिम नहीं था, तो 18 साल 17 जेल में क्यों रखा? या तो यह जज गलत है। अच्छा, गटर वो जो छोटी वाली होती है घर के अंदर, उसमें 4-4, 5-5 सिर उनमें निकले है, कपड़े लगते जितने कई बोरे सब निकले, तो उसका घर से निकले, तो यह क्या कोई बाहरी रख गया है? और फिर कोई दूसरा भी जैसे कहीं करता है, और तुम्हारे घर में हर चीज़ बरामद, तो तुम्हारे घर हुई है ना, है? अगर तुम्हारे घर नहीं है तो बता दो, पड़ोसियों के घर से आया है, किसी पड़ोसी का नाम ले लो, हम तो नहीं ले सकते भाई, हम तो तुम्हारे घर जो देखा उसी वही कोई बताएंगे ना, नहीं पड़ोसियों को, तुम्हें शक है हमारे घर का नहीं है, पड़ोसियों को हो सकता है, तो तुम नाम बता दो क्यों भाई, वो तुम बता दो, पड़ोसियों का होगा हमारा नहीं है, चाहे उधर वाले का बता दो या इधर वाले का बता दो। जो इतने सर मिले, आप लोग खुद भी गए थे ढूंढने, वहाँ भी आप लोगों को सर मिले थे, बाकी बाद में भी मिले, इतने सालों की मेहनत के बाद अदालत छोड़ देती है, और उसी घर से सर मिलना, उसी घर में इन लोगों का रहना, आपकी खुद की बच्ची गायब हुई, पूरे वाक्य को आप कैसे देखते हैं? हम ये देखते हैं, अगर इसको क्लीन चिट जज ने दी है, तो अगर इसी जगह इसका बच्चा मार देता मनिंदर, तो ये क्लीन चिट दे देता, तुरंत गोली मार देता, जेल भी नहीं भेजता इसको, और हमारी हम गरीब आदमी, हमारी गरीब की बच्ची थी, तो उसने मार दिया और इतने साल बंद रहा, अब बोलते हैं कि कोई प्रूफ नहीं मिला, अरे प्रूफ सारे वहाँ पे हैं कोर्ट में जमा, अब प्रूफ हमसे ले आके, इसने मारा मेरी बच्ची को, कपड़े हमारी बच्ची के मिले, सर हमारी बच्ची के, इसके घर के मिला है, कहीं अंते से मिल गया क्या है, कहाँ से बेकसूर है, सारे इसके घर डॉक्टर आते थे, 4 डॉक्टर 4 नर्सें आती थी, और एक दिन छोड़ के एक दिन और ये दूसरे दिन मारता था, एक दिन गैप देता था मारने का आदमी का, हाँ, जैसे आज बच्चा गायब हो गया, सारे लोग शोर मचा लिए, जिस भाई को मिले तो बच्चा बता देना है, आज मार लिया कल नहीं मारेगा, परसों फिर एक बच्चा गायब है ना, सारे बच्चे इसी ने मार डाले। आपके कितने बच्चे थे टोटल? हमारे बच्चे 6 थे। 6 बच्चे थे। हाँ, और एक बच्ची का आपके? एक बच्ची हमारी 10 साल की ज्योति को बुलाया कि आ जाओ कपड़े लेने के लिए, और वो कपड़े लेने के गई थी सिलाई में पीको करवाने के लिए, तो क्या कहते कि बोला ज्योति कपड़े ले जा, वो कपड़े लेने के बहाने बुलाया, अंदर ही बुला लिया, इसके घर में जो गया सो वापस नहीं आया है, सबको मार डाल, पता नहीं का चीज़ से खिलाता था, ना कोई चिल्लाने की आवाज़ ना रोने की आवाज़ कुछ भी नहीं, अंदर गया तो ना पता है जान लो। और जैसे ये काफी टाइम से यहाँ रह रहे थे मनिंदर भी, सुरेंद्र कोहली भी, आप लोगों की यहाँ पे ये हमसे पहले थोड़ी रह रहा, हम रह रहे हैं यहाँ, जंगल था तब से ये, इसको ये काम शुरू किया है, 2 साल ही इसने कोठी लेके, और 2 साल बाद ये काम शुरू कर दिया। अच्छा। 2 साल मतलब सही रहा, तीसरे साल में इसने 2.5 साल में ये बच्चा मारना शुरू किया। तो जैसे सामने ही उनका भी घर था, आप लोगों का उस समय भी यही दुकान लगाती थी, तो कभी सुरेंद्र कोहली से या पंदेड़ से बातचीत हुई है? बातचीत होती थी, कपड़े लेने जाते थे, खुद सही से बोलता था, अच्छे से बोलता था, इसके कपड़े भी आते थे प्रेस के, तो 2 पठानी सूट पहनता था, तो उसमें खून के दाग आते थे, तो सुनिंदर से बोलती थी, सुनिंदर ये कपड़े में बाबूजी के दाग कैसे लगे? कह रहा 37 में ना मुर्गा कटाने जाते थे, तो वही छींट लग गए, 2 कुर्ते में हमेशा छींट आती थी,
एक दिन दूसरे दिन आते थे कपड़े प्रेस को, तो मेरे को वही कपड़े आते थे और कपड़े नहीं आते थे। हाँ, वो खून के लगे हुए प्रेस होने के लिए। इनसे बातचीत हुई तो कभी शक हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा लगता ही नहीं था। ऐसे यहाँ जूरी बांधते थे, ऐसे दाढ़ी बांधते थे, ऐसे चलते थे, ऐसे 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 चलते थे कि मतलब कुछ जानते नहीं है। ऐसे मूड़ी लचा के चला, कपड़े देने गई सुनिंदा जैसे सब्जी वगैरह लेने चला गया, तो ऐसे मूड़ी लचा के कपड़े ले लिया। हम कहे बाबूजी पैसे पैसे सुनिंदा से ले लेना, ऐसे बोलते थे। मतलब सीधे होके खड़े, कभी बात नहीं करी, मुंडी लचा के ऐसे रहते थे। तो जब पता चला आप लोगों की बच्चों के सिर वहाँ पे हैं और ज्योति जो आपकी बेटी थी उनका भी वहाँ पे हो सकता है, उस समय कैसा क्या लगा, कैसे कैसे चीजें पता चली क्या? अब वो पायल के कपड़े जब उठा के ले गए हैं नंदलाल की लड़की को, तो मैं भी लगा कांपता, ज्योति को भी इसी ने मार दिया हो। तब हमारे घर वाले ने, हमारे लड़का एक पप्पू लाल की 7 साल की बेटी, वो उनका लड़का, तब कूदे इसके घर में। पुलिस नहीं ढूंढना ना आई, हम ही लोग ढूंढे। बोरा 5 बोरे कपड़े भरे थे हमने, और एक बोरा सर भरे थे ये सर पन्नियों में, और सारे काली पन्नी में सर थे, सारी काली पन्नी में। ऐसे घर के अंदर जब घुसे हैं हम, तो एक कमरे में चाकू, एक कमरे में काली पन्नी खूब जमा थी, और क्या कहते हैं, और एक कमरे में बहुत सारी दारू भरी थी, VIP दारू इसके घर में हम जब घुसे हैं। जब से बेटी नहीं रही उसके बाद जो आप लोगों की लड़ाई रही कोर्ट वगैरह में, वो कैसा रहा पूरा टाइम? वो पूरा टाइम क्या है, हम गए यही था कि अब फांसी देगी सरकार, अब फांसी देगी सरकार। अब सरकार तो भैया सरकार पे तो भरोसा नहीं रहा, जज ने गारंटी दे दी है, वो इसी जगह उसका बच्चा होता तो कुछ छोड़ देता। अरे क्लीन चिट क्यों दे दी, हमको दे दो उसको, मुनिंदर को, जैसे हमारी बच्ची मारी ना, ऐसे काट काट के उसको बहा दूंगी मैं मार डालूंगी जैसे हमारी बच्ची मारी है उसने।